हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम का ऑनलाइन डेमो टेस्ट के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना हो आपको। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके स्मार्टफोन से जो आपका टेस्ट होगा, ये उसके लिए है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन डेमो टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले एमकैट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप पहले उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके बाद फिर आपका जो आपको जो मेल आया है, उस मेल में जो एक लिंक है ऑनलाइन डेमो टेस्ट में के, आप एप्लीकेशन के थ्रू वाला जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो कंप्लीट। आइए देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है असेसमेंट डेमो एमकैट ऐप। तो आपने अगर एमकैट ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद ये मोर वाला ऑप्शन आएगा। तो देखो, यहाँ पे एमकैट का एप्लीकेशन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये एप्लीकेशन में ओपन होगा वो लिंक, ठीक है। इसे लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको लोकेशन का ऑन करने के लिए आएगा, तो आपको ओके करना है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ इनेबल ऑटो स्टार्ट फॉर एमकैट टेस्ट एप्लीकेशन इन सेटिंग। तो आप इसको अलाउ करोगे। अलाउ करने के बाद आप देखो, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मेरा ऑन है, आपका ऑफ रहेगा ये, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पे जाना है, तो ऊपर वाला जो होगा उसे आपको ऑन कर देना है, तो फिर ये आपका ऐसा शो करेगा, ठीक है। ये देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो, ये वाला आपको ऑन करना है, ये वाला ऑफ रख सकते हो आप। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद उसके बाद एमकैट ऐप नीड्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी बिफोर प्रोसीडिंग, प्लीज क्लिक एंड अपलोड ए क्लियर पिक्चर ऑफ योर आईडी। तो ये जो मैंने पढ़ा है, ये एक्चुअली फोटो क्लिक करने के लिए, आप उसे ओके करोगे। ओके करने के बाद फिर पिक्चर क्लिक करने का आएगा। एक्चुअली ये एप्लीकेशन उन लोगों ने इस तरह से बनाया है कि स्क्रीन रिकॉर्ड वहाँ पर से होता ही नहीं है। मैंने फुल स्क्रीन रिकॉर्ड किया, फिर बाद में चला के देखा उसे, तो देखा सारा ब्लैंक आ रहा था। तो जहाँ पर से पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद से फिर जो है ब्लैंक आ रहा है। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आगे का क्या प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस है कि आपको अपना इमेज क्लिक करना, जिस तरीके से आप सेल्फी क्लिक करते हो उसी तरीके से अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह से ले करके, और एक हाथ से आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जो कैमरा ओपन होता है, वहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक का चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपका बैक का कैमरा ऑन होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है फ्रंट के कैमरे पे क्लिक कर दो, आपका फ्रंट वाला जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। फिर आप आराम से क्लिक कर सकते हो, बस वो आपको अपलोड करना है, ठीक है, थोड़ा सामने से क्लिक करना। उसके बाद फिर जो है आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म में देखो, सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल डिटेल वगैरह ये सब सबमिट करना है। उसके बाद फिर आप प्रोसीड करोगे, आगे नेक्स्ट करोगे, तो आपका जितना भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, आपके 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन सारे की, मतलब जो भी परसेंटेज है आपके, वो आपको फिल करना है। फिर आगे नेक्स्ट करोगे तो आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल जो हुए हैं वो सारा, मतलब जिस तरह से आपने ABYB का फॉर्म फिलअप किया था, जितनी चीज़ें उसने फिलअप की थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी फिलअप करनी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे कम फिलअप करना है, एक दो पॉइंट, ठीक है। बाकी सारा आपका पर्सनल डिटेल्स और आपको अपना एड्रेस भी, फुल एड्रेस भी यहाँ पे फिल करना है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। उसके बाद जब आप क्लिक करते हो, आगे प्रोसीड करते हो, तो आपका टेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, चूंकि ये डेमो टेस्ट है, तो सिर्फ 10 मिनट का टेस्ट होता है और 2 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक मेल आया होगा, आप ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है ये मेल। तो ये मेल जो है, आप जब डेमो टेस्ट कंप्लीट करते हो, तो वहाँ पे रेटिंग करने का होता है, ठीक है। तो आप जब एप्लीकेशन को रेट करते हो, जो टेस्ट आपने दिया, तो उस लिए आपको वो मेल आता है कि आपका जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओरिजिनल टेस्ट हुआ है, वो आपको बस मेल आया है कि आपने डेमो टेस्ट दिया है, तो आपका वो रिकॉर्ड हुआ है, और इसमें आगे कुछ डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, कि बहुत लोग एमकैट आईडी जो होती है उसके लिए कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अपना मेल चेक करो, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उस टाइम पे आपको एक मेल आया होगा, ठीक है। मेल आती है उस टाइम पे एक, उसमें आपका एमकैट आईडी लिखा हुआ होगा, ठीक है। या फिर आप जो ये टेस्ट है या ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, आप जब अपना ऑनलाइन डेमो दोगे या फिर अपना ओरिजिनल टेस्ट आप दोगे, तो आप एमकैट आईडी के थ्रू भी दे सकते हो, उसमें लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पे ईमेल का भी होता है, जो आपने रजिस्टर्ड किया है अपना ईमेल, उस ईमेल के थ्रू भी आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन है।
तो आप अपना ईमेल चेक करो, पहला वाला आपका उसमें एमकैट आईडी होगा जो कि 14 डिजिट का होता है। तो आई होप के डेमो टेस्ट के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, आप दे करके अपना डेमो टेस्ट कर चेक कर सकते हो। तो आई होप के आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।